चंडीगढ़ के प्रदेश अध्यक्ष संजय टंडन करनाल में मनोहर लाल खट्टर के प्रचार में लगभग 20 से 25 दिनों में लगे हुए हैं। करनाल विधानसभा सीट का कार्यभार पार्टी के ऊंध पर सौंपा है। टंडन का कहना है कि जहां अभी भी हम प्रचार के लिए पहुंचे हैं, जन सैलाब बीजेपी को मिल रहा है। वहीं बातचीत के दौरान टंडन का कहना है, करनाल में कांग्रेस व अन्य पार्टियों का कोई प्रचार तो दूर उनकी फोटो तक नजर नहीं आ रही है। यह चुनाव एक तरफा है। वहीं 75 पार का नारा हमारा पूरा होता नजर आ रहा है। वहीं विपक्ष की जमीन की सख्ती नजर आ रही है। एक बार फिर ईमानदार सरकार हरियाणा में दोबारा लाने के लिए भारी संख्या में मतदान अवश्य करें। प्रचार कर रहे हैं सीएम साहब की, जो कमान है आपने संभाली है, कैसा रिस्पॉन्स है? सीएम साहब की कमान करनाल की सब जनता ने संभाली है, पार्टिकुलर किसी व्यक्ति ने नहीं संभाला है। करनाल के भारतीय जनता पार्टी के हजारों हजार कार्यकर्ता, करनाल के सभी समाजसेवी संस्थाएं, यहां का हर जागरूक नागरिक माननीय मनोहर लाल जी को अपने परिवार का सदस्य मान करके हरियाणा का जो समग्र विकास हुआ है, उस विकास की पहचान को मजबूती प्रदान करने के लिए भारी ताकत, पूरी ताकत के साथ लग करके काम कर रहे हैं। कैसा क्या क्या कैसे कैसे काम चल रहा है आपका? देखिए, राजनीति में काम करने के सबके अपने अलग अलग तरीके होते हैं। किसी कोई भी ऐसा तौर तरीका नहीं होता है जो तकनीकी रूप से कोई छोड़ करके कोई गुंजाइश छोड़े। इसलिए चाहे वो सोशल मैनेजमेंट हो, चाहे पॉलिटिकल मैनेजमेंट हो, चाहे अपना टेबल मैनेजमेंट हो, सब प्रकार के कामों को हम अंजाम दे रहे हैं। मुझे लगता है कि यहाँ के जिस ढंग से यहाँ के नागरिकों ने जिस ढंग से इस चुनाव को अपना माना हुआ है, निश्चित रूप से एक उदाहरण के रूप में यहाँ का रिजल्ट आएगा। कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है, क्या क्या? मैं लगभग पिछले 20 दिन से करनाल जो जिला के अंदर जो 5 यहाँ की विधानसभा सीटें हैं उसका कार्यभार देखने के लिए मुझे पार्टी ने जिम्मेवारी दी और उसके अंतर्गत सब जगह जाने का मौका मिला। ऐसा लग रहा है कि जैसे पूरा जनसैलाब जो है वो भारतीय जनता पार्टी और उनके जो हमारे उम्मीदवार हैं उनके साथ लगा हुआ है। जहाँ पर भी जाते हैं एक डायरेक्शन एक ही तरफ दिखती है। और यहाँ पर मैं देख रहा हूँ करनाल में तो मुझे कहीं पर कांग्रेस पार्टी या किसी और व्यक्ति का तो मेरे को ना प्रचार दिखा है, ना कहीं पे उनकी फ़ोटो दिखी है, ना कहीं उनका कोई नाम लेने वाला दिखा है। मुझे लगता है कि ये पूरा एक तरफा होने जा रहा है और जो 75 प्लस का हमारा नारा है उसको हम सार्थक करने जा रहे हैं। मैं ये कहूँगा कि एक फिर एक बार ईमानदार सरकार उसको लाने के लिए सब हरियाणवियों को भारतीय जनता पार्टी का हाथों को मजबूत करना चाहिए, जैसे उन्होंने केंद्र में मोदी जी के हाथों को मजबूत किया और प्रदेश के अंदर मनोहर जी के हाथों वोट को खाली वोट करने के लिए वोट करने के लिए मैं कहता हूं कि ये एक हर व्यक्ति का कर्तव्य है कि उसको वोट करने के लिए जाना चाहिए। मैं सबसे अपील करता हूँ कि वो उनका अधिकार भी है, उनका कर्तव्य भी है और उसका ज़रूर उनको प्रयोग करना चाहिए। ठीक है।